एक फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम के आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए, अंग्रेजी पढ़ते समय जब लोग पढ़ते हैं तो उस बात में ध्यान नहीं आता है कि छोटे छोटे वर्ड्स को अगर हम पढ़ना सीख जाते हैं तो बड़े वर्ड्स सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आज हम लोग उन छोटे वर्ड्स को बार बार, जो रिपीट होते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, जो बार बार इंग्लिश पढ़ते समय हमें रिपीट करना पड़ता है, किस वर्ड को क्या कहते हैं, उस वर्ड का क्या मतलब है, ये हम सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे द, फिर ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, पर, ही यानी वह, फिर आपका एट, एट का मतलब पर होता है, एट का मतलब में भी होता है, वो आपका प्रेपोजिशन का पार्ट है, वो प्रेपोजिशन में आपको हम समझाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, बट, फिर आपके पास दिया है देयर, फिर आपको दिया है एंड, और फिर आपको दिया है वॉज। ऐसे यहाँ पर देखिए, हैव, ऑल, ईच, इंटू, नो, ठीक है, वॉज, वी, नॉट, यूज, ऑफ, फॉर। ऐसे यहाँ देखेंगे, हु, हैंड, टू, आर, फ्रॉम, वेयर, वर। तो ये देखिए, आपके सामने इसका मतलब भी लिखा हुआ है, अगर आप कहीं पर भूल जाते हैं तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। फॉर, दिस, वॉट, एन, ए, ऐसे यहाँ देखेंगे, आर, उसके बाद आप फ्रॉम, फिर आपका वर, फिर आपका विच, फिर आपका इन, फिर आपका एज। देखिए, जिसको जो बोलते हैं उसके सामने उसका मतलब भी लिखा हुआ है, कृपया करके इसको आप आसानी समझ लीजिए जिनको पढ़ना नहीं आता है। और, टाइम, वी, डेड, शी, दैट, इज, दे, बेद, बाय, वन, कैन, वेन, देयर। देखिए, सबका मतलब लिखा हुआ है, आप आसानी से इसका मतलब भी साथ में नोट करते रहेंगे। आप लिख रहे हैं, आप लिखते रहिए। देखिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डू इट, यू, आई, हिज, वर्ड्स, हैड, सैड, योर, इफ, हाउ, विल, कम, सम। चलिए आगे देखें, देम, टू, ऐसे वर्ड्स बार बार आपके सामने आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं आपके पैराग्राफ में, तो कृपया करके इन पर विशेष कर ध्यान दें। चलिए देखते हैं आगे। अगला है देखिए, माई, डाउन, फाइंड, अबाउट, अप, मेक, हर, गो, मोर, वाटर, देन, डे, लॉन्ग, आउट। ठीक है, इनके मतलब और इनके सामने इसका उच्चारण भी लिखा है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अगला देखते हैं, वे, लाइक, एम, सी, मैड, बीन, थ्री, डिड, अदर, मैनी, वुड, हिम, राइट, और फिर नंबर। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है फर्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, कॉल। चलिए आगे देखते हैं, गेट, आफ्टर, देन, गिव। साथ में देखिए, इसका मतलब भी पढ़ते रहना, हम मतलब आपको नहीं बता रहे पर आप मतलब इसका पढ़ते रहना। राइट, मोर, लर्न, गोइंग, प्ले, मच, दीज, अगेन। उसके बाद आगे देखिए क्या है, आगे है, हैज, ग्रेट, कुड, नाइस, इट्स, थिंग, मे, आल्सो, सो, जस्ट, लुक, रैन। ठीक है, ये समझ में आ रहे हैं। प्योपल, मॉम, नाव, बिग, पार्ट, ब्लू, इन सब का मतलब भी साथ में लिखा हुआ है, आप इसको नोट जरूर करें ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। थिंक, बिफोर, ओल्ड, मून, यूज, सन, एनी, होम, वंस, पिंक,
वेरी यूज। तो ये देखिए आपके सामने वर्ड्स आ रहे हैं, आप इनको नोट जरूर करते रहें, कृपया करके इनको लिखते रहें। जो जैसे जैसे आप लिखते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। आस्क लार्ज हाउस ऑफ ओनली स्टिल वॉक टू बैक आंसर हाउ क्वेश्चन। ठीक है आगे देखते हैं, देखिए पढ़ते रहिए साथ में इनको लिखते भी रहिए, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना जल्दी आपको नॉलेज हो जाएगा। हाउ क्वेश्चन और सेंटेंस वांट पेज बिकॉज वाई, ये आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए गए हैं जो आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ये प्रत्येक जगह आपको परेशान करते हैं, इसीलिए हमने ये वर्ड्स लिखवाए हैं। कृपया इन वर्ड्स पर ध्यान दें और आप इन वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो बड़े वर्ड्स हैं वो भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा, ये आप प्रयास करते रहिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को दबा लेते हैं, घंटी को ऑन कर लेते हैं, तो आपको जैसे ही हमारा नया वीडियो होगा वो आप तक तो पहुंच जाएगा। देखिए मेहनत से आपको पढ़ाया गया है, अगर आपको समझ में आया हो तो एक हमारा लाइक तो बनता है।